अपनी अयोध्या नगरी वापस लौट गए 14 वर्ष का समय पूरा करकर, तो उस दिन थी कार्तिक मास की अमावस्या की रात थी। आप कार्तिक मास की जो अमावस्या की रात थी उसको सभी लोगों ने अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर पूर्णिमा की रात बना दिया, चारों तरफ उजाला कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके राजा जो थे श्री रामचंद्र जी आयो 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या लौट रहे थे। तो तब से ही हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली से के कुछ दिनों पहले से घरों में सफाइयाँ चालू हो जाती है, घरों को पेंट किया जाता है। आप सब भी देखते हो ना, घरों में नई वाइट वॉश वगैरह सफेदी वगैरह की जाती है और घरों में लाइट लगाई जाती है। इसको प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है। सब अपना घर सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप इस दिन घरों में जिसके घरों में कुछ दिन पहले से सफाई हो जाती है, उसके बाद जिस दिन दीपावली होती है कार्तिक मास के अमावस्या के दिन घरों में लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। ठीक है, कौन से देवी देवताओं की होती है? लक्ष्मी और गणेश की। तो ये त्यौहार आपको पता लगे ना कि दीपावली कौन मनाया, कब मनाई जाती है और रक्षा ये दशहरा। रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है। ठीक है, इसमें बहन जो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और जो भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। गुरु पर्व का जो त्यौहार है सिख धर्म में मनाया जाता है। सिखों के जो प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और ईद, ईद बहुत बड़ा त्यौहार है मुस्लिम धर्म का। रमजान का महीना आता है, इस पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग व्रत रखते हैं, यानी पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। और जब ईद आती है, रमजान के महीने का आखिरी दिन होता है, तो रमजान का चांद नजर आता है और उसे अगले दिन वो ईद मनाते हैं। ये भी बहुत अच्छा त्यौहार है, सभी खुशी से मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, छोटे बच्चे बड़ों से ईद ही मांगते हैं और ईद में बड़े क्या देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अब आता है ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस। क्रिसमस का जो त्यौहार है प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस दिन गिरजाघर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, उसको लाइटों से सजाया जाता है और ईसाई धर्म में सभी धर्म के लोग जाकर चर्च में कैंडल जलाते हैं और प्रभु यीशु से अपने अच्छे जीवन की प्रार्थना करते हैं। एक बार आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे जीवन की प्रार्थना करते हैं। आज आपका लेसन कंप्लीट हो गया, कल मैं आपकी रोज की एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू बेटा।